झारखंड विधानसभा सत्र का आज पहला दिन। आपको बता दें कि ये झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र है जो कि आज से शुरू हुआ और आज सत्र में शोक प्रस्ताव के बाद सदन को कल 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। राज्य सरकार इस सत्र में अपना अनुपूरक बजट तो पेश करेगी ही, इसी के साथ कुछ राज्य विधेयक को भी इसी सत्र में लाए जाने की संभावना है। इस अधिवेशन को धन के पक्ष और विपक्ष में अलग जनजातीय समुदाय पर चलते पड़ने वाले सहमति और असहमति के बीच एक संतुलन बना जिस दिशा में जा रही है, हमें लगता है कि पूरे झारखंड को सरकार हिंसा में परिणत करना चाहती है, हिंसक आंदोलन करने के लिए जनता को विवश कर रही है, क्योंकि सरकार के निर्णय से जनता में एक आक्रोश है और वो आक्रोश सड़क पर उतर रहा है और दूसरी तरफ सरकार लाठी गोली की सहारा लेती है और थोड़ा भी संशय नहीं कि कोई अप्रिय घटना होने से कल कि हो जाए इस प्रकार की घटना है। हमने विधानसभा में सरकार को सचेत किया है कि भाई इस निर्णय को सरकार वापस ले। सत्र में सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन वाले प्रस्ताव को लाने वाली है, जिस पर कि विपक्ष पूरा जो है वो कि नाराज है और वो किसी भी हालत में सदन को आगे चलने नहीं देना चाहता, क्योंकि जो विपक्ष ने कहा उसकी बातों से एक बात तो साफ हो गया कि हो ना हो वो सरकार को इस सत्र में इस सीएनटी एसपीटी संशोधन के प्रस्ताव को लाने नहीं देगा।